फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मोटरसाइकिल और रक्षे पर विद होल्डिंग टैक्स आयद करने की खबरों की तरदीद कर दी है। तफसीलात के मुताबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू शिबर जैदी ने सूबाई वजीर एक्साइज मुकेश चावला के दावे को बेबुनियाद करार देते हुए कहा कि मोटरसाइकिल खरीदारी पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने कहा कि FBR के खत के साथ मुंसलिक रेट लिस्ट जाली है। FBR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि मोटरसाइकिल या रक्षे पर एडवांस या विद होल्डिंग टैक्स आयद नहीं किया गया। FBR के मुताबिक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस सेक्शन 231B या 234 में तब्दीली नहीं की गई। इस पर कमिश्नर लैंड रेवेन्यू कराची से भी वजाहत तलब कर ली गई है। जबकि सिंध के वजीर एक्साइज का कहना था कि वफाकी हुकूमत अवाम पर टैक्स बम गिराने जा रही है, जिसे रोकने के लिए सिंध हुकूमत पूरी कोशिश करेगी। उनका कहना था कि नॉन फाइलर के लिए वफाक ने मोटरसाइकिल पर तकरीबन 35,000 तक टैक्स लगा दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया था कि मोटरसाइकिल और रक्षे पर विद होल्डिंग टैक्स लगने के बाद नई मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन फीस 17,000 रुपये अजाफे के बाद 20,900 रुपये हो जाएगी, जिसके बाद अब हुकूमत ने इस बात की तरदीद कर दी है और कहा है कि ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लग रहा।